तो भाई लोग, तो आप लोगों का स्वागत है शौकी में एक और न्यू वीडियो में। भाई आज मैं आप लोगों को 2GB या 3GB के पोटैटो पीसी में कैसे आप स्ट्रीम कर सकते हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए भाई लोग इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई लोग, तो पहले आप लोगों को OBS के अंदर OBS का सेटिंग ओपन कर लेना है और जनरल में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और भाई आप लोगों को स्ट्रीम वाले ऑप्शन में जाना है और चूज कर लेना है कौन से आप लोग स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट कर लेना है और अपना स्ट्रीम की डाल देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको इग्नोर स्ट्रीमिंग ऐसे सेटिंग को आप लोगों को ऑन कर देना है, ठीक है, उसको टिक कर देना है। और भाई नीचे आउटपुट का ऑप्शन होगा, ठीक है, ऊपर आउटपुट मोड में सिंपल और एडवांस होगा, आप लोगों को उसमें एडवांस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसमें क्योंकि एडवांस में ही आपको ज्यादा सेटिंग्स मिलेगी, सिंपल में आपको कम सेटिंग दिखेगी, ठीक है। तो पहले तो ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन है उसको सब छोड़ दीजिए। और भाई इधर है, ठीक है, इधर है आपका एनकोडर में आपको X264 अगर आपका GPU थोड़ा कम है तो ये दिखेगा, नहीं तो आपको कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ ऑप्शन दिखेगा। रीस्केल आउटपुट आप अपने फुल स्क्रीन को ही रहने दीजिए, ठीक है। मेरा 1920x1080 नॉर्मली डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है, अगर आपका नहीं है तो मतलब आप लोग एक और बार जाके सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इधर आपको CBR सेलेक्ट करना है। और भाई इधर आता है वीडियो का जो बिटरेट है, ठीक है, तो बिटरेट इधर आ जाता है। तो भाई बिटरेट मैं बता देता हूँ बिटरेट क्या चीज होता है। भाई बिटरेट वो होता है जो अपने क्वालिटी और नेटवर्क को डिसाइड करता है, ठीक है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो भाई आप कितना बिटरेट रखना है ये सब मैं दिखाता हूँ। पहले तो हम हमारे नेट को एकदम टेस्ट करके आपको बता देते हैं लाइव, ठीक है। तो मेरा जियो का नेट है, जियो फाइबर नेट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं हमारा कितना जाता है नेट डाउनलोड और अपलोड। डाउनलोड तो इधर हमको कुछ भी फर्क नहीं है, बट अपलोड का देखना है, ठीक है। डाउनलोड तो मेरा 140 प्लस जा रहा है, ठीक है। डाउनलोड 140 का 141 एवरेज ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग अपलोड का चेक करेंगे, क्योंकि भाई अपलोड जो डेटा हम भेजते हैं वो है, जो डाउनलोड है वो डेटा हमारे पास आता है वो होता है डाउनलोड, ठीक है। तो अपलोड भी भाई 120 एवरेज का पड़ रहा है, ठीक है। तो 120 एवरेज का हमारा नेट है। तो मैं अभी आपको क्लीनली बता दूंगा कि कैसे आपके बिटरेट को आप खुद ही सेट कर सकते हो, आपके पीसी के बराबर, आपके नेट के बराबर आप खुद ही से आप लोग सेट कर सकते हो आप लोगों का बिटरेट, ठीक है। अगर आपका 140 का MBPS का ऐसा कुछ अपलोड स्पीड है, ठीक है, तो आप लोग अपना बिटरेट 14,000 तक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 14,000 तक आप रख सकते हो। अगर आपका पीसी 16 या 8 GB रैम तक है तो भाई आप लोग रख सकते हो। अगर आपके पास 1050 Ti या 1080 ऐसा कुछ अगर ग्राफिक कार्ड या उससे भी ऊपर वाला है तो भाई आप लोग आराम से 14,000 या 16,000 का बिटरेट आप लोग रख सकते हो। अगर आपके पास उतना नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास उतना नहीं है तो आपके पास 1070 है, 610 है, तो भाई मैं एक चीज रिकमेंड कर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग रखो 2000 या 1500। अगर आप लोग 1500 के नीचे रखते हो तो भाई आपका क्वालिटी 480p में चलेगा स्ट्रीम, लेकिन भाई विदाउट लैग आपका चलेगा अगर आपके पास कुछ कम GB रैम का PC है, ठीक है। 1500 आप लोग 2GB को भी यूज कर सकते हो, 3GB को भी यूज कर सकते हो। अगर उसमें भी आपका लैग हो रहा है तो भाई और बिटरेट को आप लोग कम कर दीजिए, ठीक है, बिटरेट को और कम कर दीजिए, क्योंकि भाई आपका पीसी लैग नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग स्ट्रीम। तो आप लोग बिटरेट कम कर देते हो भाई थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाएगा, लेकिन FPS सब बराबर से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उधर कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग को अगर लो GB रैम के PC में स्ट्रीम करना है तो भाई एक को तो जाने देना ही पड़ेगा, आपको क्वालिटी भी आना है, ऐसे FPS भी अच्छा आना है, स्ट्रीम लैग भी नहीं होना है, तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। कोई एक चीज मिलने के लिए कोई एक चीज को खोना ही पड़ता है, तो आप लोगों को क्वालिटी थोड़ी सी खोनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं खुद स्ट्रीम करता हूँ, मेरा PC का स्पेक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही लो एंड स्पेक्स है तभी मैं स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ राज नहीं, कुछ ट्रिक नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अगर आप फॉलो करते हो तो भाई इजीली आप लोग स्ट्रीम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है, तो मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए मैं वीडियो लाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चीजें आप लोगों में बताऊंगा, ठीक है। पूरी चीजें मैं आप लोगों को मोबाइल में जैसे कि स्ट्रीम करने के लिए यूज होती है वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी OBS के सेटिंग में आपको कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं। इतना सेटिंग अगर आप स्ट्रीम करने के लिए रख देते हो तो भाई इतना ही बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई लोग, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्टार्ट था एंड गाइस बाय बाय।